हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्वांटिटी फॉर बीम। बीम की साइज हमने मान लिया 9x9 इंच और लंबाई 15 फीट। हमने इसका एरिया निकाल लिया। 9 इंच को हमने सबसे पहले फीट में कन्वर्ट कर लिया, 0.75 × 0.75 × 15। हमारा आ गया 8.4375 क्यूबिक फीट। इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.240 क्यूबिक मीटर। अब हम जानते हैं 1 m³ कंक्रीट वर्क के लिए हमारे एग्रीगेट 0.856 और सैंड 0.428 मीटर क्यूब और सीमेंट 8 बैग लगता है M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए। अब हम निकालेंगे सीमेंट सैंड एग्रीगेट रिक्वायर फॉर एरिया 0.24 m³। अगर आपको नहीं मालूम है कि 1 m³ में कंक्रीट वर्क में एग्रीगेट सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी यहाँ कैसे आई, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्रीगेट और सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी 1 m³ में इतने इतने मीटर और इतने बैग कैसे आया। हमें निकालना सबसे पहले एग्रीगेट। एग्रीगेट इक्वल टू 0.856 इंटू जो एरिया है उससे इंटू कर देंगे 0.240, हमारा आ जाएगा 0.205 m³ हमारा एग्रीगेट लगेगा। अगर इसे हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे हमारा आ जाएगा 7.249 क्यूबिक फीट। सैंड है 0.428 × 0.240, हमारा आ गया 0.1027 m³। क्यूबिक फीट में 3.62 क्यूबिक फीट। सीमेंट आ गया हमारा 8 × 0.240 1.92, हमारा लगभग 2 बैग आ गया।